फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए तीन मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ना हम घर पे रखे हुए सामान से ही बना करके तैयार करेंगे, बाहर से हमें कुछ भी नहीं लाना है। तो सबसे पहली रेसिपी जो है ना, ये है ब्रेड की। तो यहाँ पर मेरे पास ना एक छोटा ब्रेड का पैकेट रखा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यूज़ नहीं हुआ था, तो डेट निकल जाती तो उसके बाद यूज़ नहीं होता, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी से कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड की स्लाइस हटा के और इसको तोड़ करके हमने इस तरह से ये ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो एकदम वाइट वाला ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। तो ये देखिए, छोटे चम्मच से दो चम्मच डाला है, तो यहाँ पर हमें एक चम्मच घी डालना है। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं और अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना हमें भून लेना है। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस इससे क्या होगा कि ब्रेड की जो है ना स्मेल कम हो जाएगी। यहाँ पर जो है ना हमें लेना है 1/2 कप मलाई। अगर आप इसको ग्राम में मापें तो ये 100 ग्राम है। जैसे ही मलाई मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी और इन दोनों को पकाएंगे जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर देखिए, चीनी और मलाई दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालते हैं नारियल का बूरा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पर 1 कप ही हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अगर आप किसी भी रेसिपी में जो है ना मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, इनको पकने देते हैं धीमी आंच पर। ये ब्रेड क्रम्स ठंडे हो गए, इसमें डालेंगे हम 1/4 कप मिल्क पाउडर। खाने वाले चम्मच से खाना खाते ना, जो मेरे हाथ में चम्मच है इससे 4 चम्मच डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। देखिए, ये अच्छे से पक गया है। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रेड क्रम्स तैयार हुए रखे हैं ना उसको डालेंगे। तो यहाँ उससे पहले ना हम डाल देते हैं ये वनीला एसेंस। इससे क्या होगा कि ब्रेड की स्मेल नहीं आएगी और जब हम इस मिठाई को खाएंगे ना तो वनीला फ्लेवर की लगेगी। वनीला फ्लेवर जो है ना, छोटी सी बोतल आती है, ये 25 रुपये की आती है, किराने के दुकान पे या फिर जहाँ केक मिलते हैं ना वहाँ पर ये मिल जाएगी। आप इसको एक बार ले कर रख सकते हैं। आप दूध में, खीर में, हलवे में, किसी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं और अब इनको जो है ना हमें पकाना है यानी कि मिक्स करना है। आंच को बिल्कुल हमें धीमा कर देना है। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और हमने यहाँ पर देखिए घी नहीं डाला है, फिर भी इसमें घी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ना मलाई का यूज़ करा है। मलाई जो है ना घी और दूध और मावा तीनों का काम करती है, तो इसलिए मैं अधिकतर रेसिपीज़ में जो है ना मलाई का यूज़ करती हूँ। ताज़ा ही मलाई आप यूज़ करेंगे ना तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है ये बटर पेपर, जो हम मार्केट से कपड़े लाते हैं ना, पोलिथीन आती है ट्रांसपेरेंट, आप उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बस उसको पहले वॉश कर लें। तो यहाँ पर बटर पेपर से इसको जो ना हमें थोड़ा सा इस तरह से गूंद लेना है यानी कि सॉफ्ट करना है। इसमें जो दरारें हैं ना वो नहीं रहना चाहिए, इतना हमें सॉफ्ट करना है। 2-3 मिनट का इसमें समय लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सॉफ्ट हो गया है, दरारें बिल्कुल नहीं दिख रही है। अब इसका जो ना हमें एक रोल बना लेना है। ये ठंडा हो गया है तो इसलिए मैं हाथ से इसको ना टच कर पा रही हूँ। ये इतनी बढ़िया रेसिपी है ना, बहुत फटाफट बन के तैयार हो जाती। जब भी कभी ना अचानक से मेहमान आ जाए ना और आपको लगे कि कुछ भी मीठा नहीं है, ब्रेड वगैरह पड़े रहे या ब्रेड क्रम्स पड़े रहे, तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। इसकी बर्फी भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इसको अच्छे से रेप करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं सिल्वर वर्क का यूज़ कर रही हूँ। आप तिल से या ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा पीस करके उससे, और डेसिकेटेड कोकोनट या अपने मनपसंद की किसी भी चीज़ से इसको ना इस तरह से गार्निश करेंगे तो देखने में ये काफ़ी अच्छी रहेगी। मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको इसको डेकोरेट ही करना है, बस थोड़ा देखने में लुक वाइज अच्छा लगता है। और आधे आधे इंच के साइज़ में हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये ब्रेड मलाई रोल
मिठाई आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगती है और बनाने के प्रोसेस तो आप देख ही चुके हैं। अगर आपको ये प्यारी सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट और दानेदार एकदम कलाकंद जैसी ये रेसिपी तैयार है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी। तो ये जो रेसिपी है ना, एक साल बाद मेरे चैनल पर कोई वीडियो वायरल हुआ तो वो है ये वाला वीडियो। तो यहाँ पर जो है ना, हमें लेना है बेसन, और बेसन को पहले से ही हमें कप या कटोरी से मेज़र करके लेना है। तो यहाँ पर हम एक कप ग्राम में मापे तो 150 ग्राम के समथिंग बेसन होगा, और जितना हमें बेसन लेना है उतना ही हमें यहाँ पर दूध लेना है। दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको जो ना मिक्स करते जाएंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। इस तरह से आप इसको मिक्स करें। आप ये प्रोसेस मिक्सर जार में भी कर सकते हैं। मिक्सर में बेसन डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए और थोड़ा सा चला दीजिए तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। 4 बड़े चम्मच यानी कि 4 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें ये रवा बारीक वाला, और इससे जो है ना बढ़िया से दाने बनेंगे। अगर आपका बेसन थोड़ा सा मोटा है तो आप इसको नहीं डालें। मेरे पास ना पतला वाला बेसन था इसलिए हमने ये डाले हैं। तो इसको बढ़िया से घोल करके हम रख देंगे 10-15 मिनट के लिए इसको सेट होने, ताकि बेसन और सूजी थोड़े से जो ना फूल जाए। तो यहाँ पर देखिए एक जो बैटर है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया यानी कि थिक हो गया है। तो इसमें पानी वगैरह आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, बस ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर हम 1/4 कप घी लेंगे, खाना खाने वाली छोटी चम्मच से 4 चम्मच लेंगे। यहाँ पर घी को मेल्ट करना है, गर्म नहीं करना। देखिए इतना गर्म होना चाहिए, बस जस्ट बबल बनने चाहिए। ये वाला बैटर हम इसमें डाल देंगे और अब इसको जो है ना हमें पकाना है। आँच को बिल्कुल धीमा करना है, तेज आँच पे नहीं करना, नहीं तो ये जो है ना कढ़ाई में चिपक जाता है। तो बस इस तरह से आप लगातार इसको चलाते जाएंगे तो ये 2-3 मिनट में ही है ना, देखिए इस तरह का ये होने लगता है। 2-3 मिनट और पकाएंगे तो ये बिल्कुल ही है ना एकदम बूर बूर सा होने लगता है। तो देखिए यहाँ पर 8 मिनट हो गए पकाते हुए और ये इस तरह का हो गया। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी। तो इसको रख देते हैं हम साइड पर। यहाँ पर कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप चीनी। बेसन, चीनी, दूध हमें बराबर लेना है। मेज़रमेंट का आप ध्यान रखें, किसी भी कप या कटोरी से ले सकते हैं। 1/2 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पर हम पानी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो इसको बनने में टाइम लग जाएगा। इसमें 2-3 इलायची तोड़ करके डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जो है ना मेल्ट होने देते हैं, जब तक हम जो बेसन का बनाया था ना हमने बुरबुरा सा ये मिक्सचर, ये ठंडा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको छलनी में डालेंगे और छान लेंगे, ताकि इसके जो बड़े बड़े मोटे मोटे आपको दिख रहे हैं ना क्रम्स, ये ना बिल्कुल बारीक हो जाए। तो इसको छानने के बाद ये थोड़ा सा बचा हुआ इसको हम रख देंगे साइड में। आप इसको गाय को या फिर डोगी को दे सकते हैं, फेंके नहीं इसे कचरे में। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बढ़िया सा एक बेसन का है ना जो वो बुरा सा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए ये शुगर सिरप अच्छे से बन गया है। 1 तार की चाशनी हमें यहाँ बना लेनी है। इसको साइड में रख देंगे, फिर से वही कढ़ाई लेंगे और अब जो है ना इसमें डाल देंगे हम ये बेसन जो हमने तैयार करके रखा है। गैस को बिल्कुल यहाँ पर हमें धीमा रखना, 2-3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। उसके बाद एक यही छलनी रखेंगे और इसमें डाल देंगे ये शुगर सिरप। तो इसलिए हम इसको छान रहे हैं ताकि इलायची के जो छिलके और बीज है ना ये सेपरेट हो सके। और बस अब इन सबको जो है ना मिक्स करना है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है जो बेसन की बर्फी बन के तैयार होती है, और आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। आप इसको गर्मियों में, ठंडियों में, किसी भी मौसम में खा सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करते। तो देखिए 2-3 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है। इसमें 1 चम्मच के समथिंग हमने फिर से घी डाल दिया। आप इस तरह से बनाते ना तो इसमें घी काफ़ी कम लगता है। तो बस ये अच्छे से तैयार हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी बैटर नहीं चिपक रहा है। बस इससे ज़्यादा इसको हमें नहीं पकाना है। तो यहाँ पर ना एक केक टिन को बटर पेपर लगा के तैयार कर लिया था पहले ही, और बस इसमें ये पेस्ट डालेंगे, डो डाल देंगे और अब इसको ना सेट करेंगे। आप किसी भी थाली या प्लेट का यूज़ कर सकते हैं इसको सेट करने के लिए।
आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसको डीमोल्ट कर लेंगे। देखिए बटर पेपर की वजह से ना ये बहुत आसानी से डीमोल्ट हो जाता है और बस इसको पलट लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको जो ना थोड़ा सा सजाएंगे, तैयार करेंगे। तो इसको जो डेकोरेट करने के लिए मैं ना ये सिल्वर वर्क का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी अपनी मनपसंद की चीज़ से इसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह से डेकोरेट कर सकते हैं। बस छोटे छोटे क्यूब में इसको कट कर लेना है, आप अपने मन मुताबिक इसके पीस कट करें। और यहाँ पर ये जो है ना बहुत ही प्यारी सी बेसन की बर्फी बन करके तैयार हो गई, सिर्फ चार चीज़ों से, घी, बेसन, दूध, बस इतना ही कुछ लगा। ये सब हमारे घर पे मिल जाता है। तो देखिए कितनी बढ़िया टेम्पटिंग लग रही है ना, जितनी बढ़िया ये खाने देखने में लगी ना, उससे कई ज़्यादा अच्छी खाने में लग रही है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी जो है ना कौन सी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हमारी लास्ट रेसिपी। तो तीसरे नंबर की रेसिपी जो है ना, इसको हम अधिकतर व्रत के लिए बनाते हैं, पर हमारी डायमंड को जो ना बहुत पसंद है तो वो कभी भी इसको बनवा लेती है। यहाँ पर हमने 1 किलो आलू ले लिए हैं, इनको जो है ना हमें बॉईल कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको उबाल लिया है और इसको छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना ग्रेट कर लेना है। तो जिससे अदरक ग्रेट करते हैं ना, मैं ये ले रही हूँ। अगर आपके पास और भी कोई सा ग्रेटर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट करने से जो है ना आलू में बड़े टुकड़े नहीं रहते हैं, तो इसकी जो बर्फी है ना बहुत ही आसानी से बन जाती है। एकदम इसका जो ना स्मूथ सा एक आप बैटर कह सकते हैं वो तैयार होता है। तो देखिए सभी आलुओं को जो है ना हमने ग्रेट कर लिया है। इसको रख देते हैं हम साइड में, गैस पे कढ़ाई रखेंगे, इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। और चीनी को जो है ना हमें चलाना नहीं किसी भी चीज़ से, जस्ट हमें इसको ऐसे ही ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे और बस इसका जो है ना हमें कैरेमल तैयार कर लेना है। अगर आप इसमें स्पेचला वगैरह चला देंगे तो इसके ना जो ना क्रिस्टल्स बन जाएंगे, यानी कि बड़े बड़े से जो चीनी के गोले बन जाएंगे। तो देखिए जब इस स्टेज पे ये आ जाए ना, तो फिर आप इसको चला सकते हैं किसी भी स्पेचुला से और बस ये हमारा कैरेमल तैयार हो गया है। यहाँ पर जो है ना हम 1/3 कप मलाई लेंगे। ये फ्रेश मलाई है जो हम दूध गर्म करके रखते हैं ना फ्रिज में, उसी से निकली हुई ये ताज़ा मलाई है। तो यहाँ पर इसको जो है ना हमें मिक्स करना है। यहाँ पर 1/2 कप चीनी और ले रहे हैं, तो यहाँ टोटल जो ना 1 कप चीनी यानी कि 250 ग्राम चीनी का हमने यूज़ करा है। आप जो भी मीठा पसंद करते हैं चीनी की जगह वो ले सकते हैं, गुड़ या मिश्री, तगार वगैरह। तो देखिए जो कैरेमल है ना ये क्रिस्टल हो जाता है। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे, यहाँ 1/2 कप दूध डाल देंगे। तो लगातार चलाती हूँ जब तक हमें पकाना, जब तक कैरेमल दूध के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता और थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी जो है ना कम हो जाएगी। 2 मिनट पकाने के बाद कुछ इस तरह का ये हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बढ़िया प्यारी सी महक आ रही थी इसमें से। अब इसमें ये आलू डालेंगे और अब जो है ना हम इसको पकाएंगे। तो इस तरह से आप ये आलू की रेसिपी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आलू हर घर में हमेशा मिल ही जाते हैं, क्योंकि आलू तो पड़े ही रहते हैं, दूध भी रहता है, चीनी हमेशा रहती है। तो देखा घर पे रखे हुए सामान से ही हमने 3 तरह की रेसिपी बना के तैयार कर लिए। और बस आलू को डाल के बढ़िया से मिक्स करा, थोड़ा सा पकाया। यहाँ पर ना 1 कप के समथिंग ही हमने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा डाल दिया, इसको भी मिक्स करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको भी बढ़िया से मिक्स करेंगे। 1 केक टिन को पहले से ही तैयार करा था बटर पेपर लगा के, इसमें डालेंगे और आप जो है ना इसको सेट करने देंगे। पहले इसको अच्छे से चिकना कर देंगे। तो इस तरह से आप व्रत में, नवरात्रि में या फिर ऐसे भी ये वाली जो आलू की बर्फी है ना इसको बना सकते हैं। ठंडा हो गया है, इसको कर लेते हैं डीमोल्ट। किसी भी प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे, पलट देंगे और बहुत ही आसानी से बटर पेपर की वजह से ये निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बटर पेपर की जगह आप जो बच्चों की नोटबुक होती ना उस पेज में दोनों तरफ ऑयल लगा के उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल या फिर घी। बटर पेपर को हटा देंगे, मन मुताबिक पीस में कट करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको
इन तीनों में से कोई सी भी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें कि कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी है। और कहाँ मेरे से कुछ गलती होती है ना तो आप बता दिया करें, अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे मेरी गलतियों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो बस ये बर्फी तैयार हो गई, फ्रिज में रख के आप हफ्ते भर के लिए इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने डेकोरेट नहीं करा, तो ऐसे भी आप खा सकते हैं। एकदम दानेदार ये बर्फी तैयार हुई है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।